Okay then, so let's start today's topic, which is going to be about MCO 21. MCO 21 हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स ही करेंगे, बट मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव से किस तरह की चीजें जो है इकोनॉमिक्स की जो है बिजनेस में लागू होती हैं, वो तो सारी की सारी चीजें इस टॉपिक में है, मतलब इस सब्जेक्ट में है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो इंटीग्रेशन है इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिस का। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीजें हैं, इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिसेस को मिला करके जो चीजें हम लोग करते हैं उसी को हम लोग मैनेजमेंट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहेंगे। अब ये दो चीजें हम लोग जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि हम अपने डिसीजन मेकिंग को और बेहतर बना सके। यहाँ लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग, मतलब जो आपका डिसीजन मेकिंग है वो और बेहतर हो सके और एक्यूरेट और सही हो सके, इसलिए हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आई मीन इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल बिजनेस प्रैक्टिसेस में करेंगे। और इससे क्या होगा, इससे जो है बिजनेस को आगे बढ़ाने में काफी फायदा जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, इसी को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट सही है, हम लोगों ने देखा है कि लाइक हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जो इकोनॉमिक्स है उसका इस्तेमाल तकरीबन हम लोग लाइफ के हर पर्सपेक्टिव में कर सकते हैं, हर एक चीज में कर सकते हैं अगर करना चाहें तो बिजनेस में भी डेफिनेटली इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल होता है और बहुत ज्यादा होता है। और वही बात है यहाँ पे, द स्टेटमेंट एक्यूरेटली कैप्चर्स दिस एसेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। स्टेटमेंट में कम्प्लीटली अच्छे तरीके से बताया गया है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का क्या एसेंस है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज इंडीड द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विथ बिजनेस प्रैक्टिस। ठीक है ना, आखिर आखिरकार जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो क्या है, एक इंटीग्रेशन है इकोनॉमिक थ्योरी का बिजनेस प्रैक्टिस के साथ। अब यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक थ्योरी नहीं होता बल्कि इसका इस्तेमाल जो है प्रैक्टिकल चीजों में भी होता है, जैसे डिसीजन मेकिंग मुझे करनी है तो वो तो सिर्फ थ्योरी नहीं है, थ्योरी मुझे पता है कि इकोनॉमिक्स की क्या है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप प्रैक्टिकली अपने बिजनेस के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, उसको एक्टिविटीज में आप उसका इस्तेमाल करते हो। ठीक है ना, तो वो चीजें भी हैं। इकोनॉमिक्स इज इंडीड द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिसेस टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग बाय मैनेजर्स। उसी बात को वापस से बोला गया है, हेयर इज एन एक्सप्लेनेशन एंड कमेंट्री ऑन द स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन बताया गया है क्या है कैसे है, राइट। सबसे पहला है इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिसेस, डेफिनेशन में ही ये लाइन बोला गया, तो ये कैसे है इसके बारे में देखते हैं। नाउ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कंबाइंस इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स एंड टूल्स विद रियल वर्ल्ड बिजनेस सिनेरियोस, है ना। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जो इकोनॉमिक की जो मेन प्रिंसिपल्स है, इकोनॉमिक्स की जो मेन प्रिंसिपल्स है, उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके टूल्स हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग रियल वर्ल्ड बिजनेस सिनेरियोज में करते हैं। ऐसा कोई सिचुएशन जहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो उस टाइम पे जो हम इकोनॉमिक्स की थ्योरीज है उसके जो प्रिंसिपल्स है उसका इस्तेमाल हम लोग रियल लाइफ सिचुएशंस में करते हैं, बिजनेस के रियल लाइफ सिनेरियोज में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। इट अप्लाइज इकोनॉमिक थ्योरीज एंड मैथडोलॉजीज टू एनालाइज एंड सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मैनेजर्स इन देयर डे टू डे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। उसी बात को वापस से बोला गया है डिफरेंट स्टाइल में, कि हम लोग इकोनॉमिक थ्योरीज और मैथडोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए, जो कि मैनेजर्स को इन अ डे टू डे बेसिस बिजनेस में उनको फेस करना होता है। सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड जो इसका ये है इस बात को सही साबित करने के लिए जो पॉइंट बताया गया वो है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। ये जो है मैनेजर्स को डिसीजन लेने में काफी ज्यादा हेल्प करता है कि क्या लेना सही है क्या लेना गलत है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद अ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क टू एनालाइज द इवैल्यूएटिव ऑल्टरनेटिव्स, असेसेस रिस्क एंड बेनिफिट्स एंड मेक फॉरवर्ड इन्फॉर्म डिसीजंस, है ना। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के कारण से मैनेजमेंट के पास जो है एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क जो है उनके पास जाता है, एक सिस्टमैटिक वे में उन चीज वो चीजों को जो है इवैल्यूएट कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, उसके रिस्क जो भी वो डिसीजन लेने वाले हैं उसके रिस्क और उसके बेनिफिट्स को वो लोग समझ पाते हैं और उसी बेसिस पे वो लोग इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं, एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जिनके बारे में उनके पास कंप्लीट जानकारी होती है, सफिशियंट जानकारी उनके पास होती है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सही जानकारी लेने में उनकी हेल्प करता है। इट इक्विप्स द मैनेजर्स विद इकोनॉमिक टूल्स सच एज डिमांड एनालिसिस। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी इकोनॉमिक्स में हम लोग बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं, डिमांड एनालिसिस तो बहुत कॉमन है, हम लोगों ने क्लास 11 में भी किया था, तो डिमांड एनालिसिस जो है वो भी एक तरह का टूल है आपको समझने के लिए कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड किस टाइम पे ज्यादा होगी या आप अपने प्राइसेस को कितना रिड्यूस करोगे ताकि आप मार्केट में कंपटीशन क्रिएट कर सकते हो और आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेच सकते हो।
ठीक है ना। तो डिमांड एनालिसिस करना, कॉस्ट एनालिसिस करना कि आपकी कॉस्टिंग जो है कितनी पड़ रही है, कहाँ पे उसको रिड्यूस किया जा सकता है, या आपको कहीं पे क्या उसको प्रीमियम प्राइस में बेचने की जरूरत है। जैसे कि एप्पल की अगर हम बात करें तो एप्पल ने आज तक कम प्राइसेस करके नहीं बेचा, हालांकि अभी के टाइम पे उसकी प्राइसेस हमें थोड़ी सी कम लगती हैं, थोड़ी सी कॉम्पिटेटिव लगती हैं बाकी सारे ब्रांड्स के मुकाबले, बट अभी भी वो एक प्रीमियम फोन ही है। पहले के जमाने में भी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे ये बोल करके कि भाई वो तो फोन प्रीमियम है ना। तो वो चीज है। तो कॉस्ट एनालिसिस करना कि आपको कॉस्टिंग कितनी रखनी है अपनी फोन की, विथ कीपिंग इन व्यू द डिफरेंट सिनारियोज, लाइक लोगों का इनकम कितना है, जगह कौन सा है जहां पे आप उसको सेल कर रहे हैं। अगर आप एप्पल के फोन को सेम प्राइस में अफ्रीकन कंट्रीज में सेल करेंगे तो कोई नहीं खरीदने वाला, सिंपल सी बात है। तो इन सारे सिनारियोज के बारे में आपको सोचना होता है, और ये सारी चीजें जो है आपको एज ए इकोनॉमिक थ्योरी जो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने किया है काफी ज्यादा हेल्प करती है। आपका प्राइसिंग मॉडल क्या होगा, फॉरकास्टिंग टेक्निक टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, जो फॉरकास्टिंग टेक्निक है कि इन फ्यूचर जाकर के आपके डिसीजन का क्या असर पड़ने वाला है आपके बिजनेस पे, वो भी जो है एक तरीके से इकोनॉमिक थ्योरी आपको प्रोवाइड करती है। टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग अक्रॉस वेरियस फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की जितनी भी सारी फंक्शनल एरियाज है हर एक जगह पे जो है आपको इकोनॉमिक थ्योरी और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो है आपको एक तरीके से कॉम्बिनेशन, एक तरीके से हेल्प जो है आपको लेना पड़ेगा या पड़ता है। थर्ड है फॉरवर्ड प्लानिंग। ये तीनों चीजें जो है आपको डेफिनेशन में ही बता दिया गया था कि क्या क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस, फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग, एंड द थर्ड पॉइंट इज फॉरवर्ड प्लानिंग, है ना। जब आप ये दोनों चीजें कर पा रहे हैं, जब आप इकोनॉमिक थ्योरी के बेसिस पे अपने डिसीजन को ले पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में आपको काफी ज्यादा हेल्प हो रही है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको फॉरवर्ड प्लानिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है कि आपको अपना बिजनेस डिसीजन जो है, जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो कैसी होने वाली है, कैसा आप रखना चाहते हो, ठीक है। तो उस चीज में भी ये हेल्प करता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प्स मैनेजर्स इन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड मेकिंग लॉन्ग टर्म डिसीजंस बाय कंसीडरिंग द इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड मार्केट डायनेमिक्स दैट मे इम्पैक्ट द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना। तो आपने सपोज अभी कोई प्राइस का प्रोडक्ट का प्राइस आपने सपोज 100 रुपए रखा है, और इन फ्यूचर में जाकर के आपको पता है कि लोगों की इनकम वगैरह बढ़ेगी, उनका जो है जो सोर्स ऑफ इनकम है वो अभी डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने कर लिया है, तो वो एक्चुअली उनके जो उनकी परचेसिंग पावर पैरिटी है, जो परचेसिंग पावर है उसमें इजाफा होगा। तो उस चीज में आप क्या करोगे कि आप पहले से ही लॉन्ग टर्म प्लान करके रखोगे कि मैं आने वाले समय में अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को थोड़ा सा और रिड्यूस करके इसके प्राइसेस को और मिनिमाइज करने की कोशिश करूंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अफोर्ड कर पाए, जो लोग नहीं कर पा रहे वो भी कर पाए, प्लस जो लोग कर पाएंगे उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो लॉन्ग टर्म में जो है आपको स्ट्रेटेजी आप बनाने में हेल्प करती है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपको, ताकि जो आपका बिजनेस है उसको आप सही दिशा में लेकर के जा सको, ठीक है। और आने वाले समय में जो मार्केट डायनामिक्स है, मार्केट में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, अभी समझ लो आप एक अकेली कंपनी हो आपके मार्केट में जो कि इस तरह के प्रोडक्ट दे रही है, लेकिन बाद में अगर कोई कंपनी और आई जो कि सेम तरह के प्रोडक्ट देने लगेगी तो फिर आपके लिए कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाएगा। तो उस कॉम्पिटिशन को आप किस तरीके से टैकल करोगे, किस तरीके से आप उसको उसको सॉल्व करोगे, वो उसके बारे में सोच करके आपको अभी से जो है स्ट्रेटेजी बना करके रखनी होगी। तो यही है फॉरवर्ड प्लानिंग, जो सामने जो आने वाला समय है उसके बारे में आप पहले से प्लानिंग कर ले रहे हो विद द हेल्प ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये चीज है। इट असिस्ट इन फॉरकास्टिंग डिमांड, ये आपको डिमांड की फॉरकास्टिंग करने में हेल्प करता है। एसेसिंग मार्केट कंडीशंस, मार्केट के कंडीशंस को समझने में हेल्प करता है। इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना, आपके पास जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर आपको लगता है कि कोई नया प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना चाहिए तो वो जो नया प्रोडक्ट है उसकी क्या मतलब चांसेस हैं सक्सेस होने के मार्केट में, अगर आप उसको लेकर के आते हो उसको एक तरीके से समझना, है ना। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे डिफरेंट तरह की बात की जा सकती है, जैसे कि सपोज कंपनी ने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, कहीं और इन्वेस्ट जब वो करेंगे तो किसी ना किसी प्रोडक्ट में ही इन्वेस्ट करेंगे, किसी नए तरह की चीज में इन्वेस्ट करेंगे। तो जो भी चीजें आप कर रहे हो उसका लॉन्ग टर्म में क्या उसका असर होने वाला है वो हेल्प करता है समझने में। एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। आने वाले समय में आपको क्या क्या रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगी उसको आइडेंटिफाई करने में जो है काफी हेल्प मिलती है हमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से। एक मैं जैसे मैं पानी पी लेता हूँ। ओके गाइस, तो इसके ऊपर एक कमेंट किया गया है, मतलब इसको समझाने के लिए 3 पॉइंट बहुत ही सिंपल से थे, ज्यादा कुछ टफ नहीं था।
नाउ कमेंट्री अगर इसके बारे में बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड विद बिजनेस प्रैक्टिसेस इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इन टुडेज डायनामिक एंड कॉम्पिटेटिव बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, उसी बात को बोला गया है। इकोनॉमिक थ्योरीज प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग मार्केट फोर्सेस। इकोनॉमिक थ्योरीज आपके लिए एक तरीके से फाउंडेशन आपको प्रोवाइड करती है कि आप अपने मार्केट फोर्सेस को ठीक तरीके से समझ सकें, कंज्यूमर के बिहेवियर को, कंज्यूमर बिहेवियर मैंने आपको समझाया था पिज्जा वाला एग्जाम्पल देकर के, उसको आप समझ सके कि इन फ्यूचर जाकर के क्या होने वाला है। प्रोडक्शन कॉस्ट को आप कितना रिड्यूस कर सकते हो। प्रोडक्शन कॉस्ट में हमने इकोनॉमीज ऑफ स्केल अर्लियर किया था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड प्राइसिंग डायनामिक्स, ये सारी चीजें जो है इसको समझने के लिए आपको फाउंडेशन प्रोवाइड करती है इकोनॉमिक थ्योरीज। बाय अप्लाइंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू रियल वर्ल्ड बिजनेस सिनेरियोस मैनेजर्स कैन गेन वैल्यूएबल इनसाइट एंड मेक बेटर इन्फॉर्म डिसीजंस। ठीक है ना, उसी बात को वापस से बोला गया है इन अ डिफरेंट वे बट इट इज सेम। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स गोज बियॉन्ड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये मैं बता रहा था कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका फोकस जो है एंड फोकस इज ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दैट आर रेलेवेंट टू मैनेजर्स। वो लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं जो कि मैनेजर्स के लिए रेलेवेंट होते हैं। इट टेक्स इनटू अकाउंट द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री डायनामिक्स एंड स्पेसिफिक गोल्स एंड कॉन्स्टेंट फेस्ड बाई द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, यहाँ पे वो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी, बिजनेस के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी आ जाएगा, बिजनेस को जो कॉन्स्टेंट्स फेस करनी पड़ती है, जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं, या फिर जो उनकी स्पेसिफिक गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ता है, वो सारी की सारी चीजें आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के हेल्प के जरिए आप कर सकते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, कल हम लोग पॉलिसी वाला चैप्टर कर रहे थे ना, पॉलिसी जो चीजें थी, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज लाइक अ गाइडिंग फोर्स। वो एक तरह से पॉलिसी है, रूल्स है कि आपको किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे लेकर के जाना है, और अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उस केस में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज में। वही चीजें यहाँ पे है। दिस इंटीग्रेशन अलाउज मैनेजर्स टू कंसिडर इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये जो इंटीग्रेशन है ये अलाउ करता है मैनेजर्स को कि वो इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझे अलॉन्ग विद द अदर रिलेवेंट फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स के साथ, व्हेन मेकिंग डिसीजंस दैट इंपैक्ट द परफॉर्मेंस एंड सक्सेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जो कि आपके बिजनेस के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस और उसके सक्सेस में काफी ज्यादा एक तरीके से इम्पैक्ट पहुंचाता है, प्रभाव पहुंचाता है। फर्दर मोर अगर और इसके बारे में बात करें तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स रिकॉग्नाइजेस दैट डिसीजन मेकिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। डेफिनेटली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमेशा ही एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग एक हमेशा ही फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो वो तुरंत के लिए तो लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी सोच करके लेते हैं कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म में क्या असर होने वाला है। तो ये एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग करंट मार्केट कंडीशंस, प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स एंड कंसिडरिंग द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑफ डिसीजंस। ओके, सो इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, आप करंट मार्केट कंडीशन को तो आप एनालाइज कर ही रहे हो, उसके बेसिस पे आप अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हो कि क्या होने वाला है, और उसके बेसिस पे आप लॉन्ग टर्म में चीजों को ध्यान में रखते हुए आप डिसीजंस वगैरह भी ले रहे हो। ठीक है, तो फॉरवर्ड प्लानिंग का इस्तेमाल करके मैनेजर्स क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को ठीक तरीके से एंटिसिपेट कर सकते हैं कि उनका बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, वेदर इट इज सुटेबल फॉर यू राइट नाउ और नॉट। इफ इट इज नॉट सुटेबल देन व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू डू और यू कैन डू टू मेक थिंग्स बेटर फॉर योर बिजनेस। ठीक है, वो सारी चीजें आपको हेल्प करती है ये, एंड डेवलप स्ट्रेटेजीज टू अडैप्ट एंड कैपिटलाइज ऑन इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, जो भी इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज हैं उसको आप कैसे कैपिटलाइज करोगे, कैसे आप उसको भुनाओगे, जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं उस चीज को करने में जो है आपको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। इन कंक्लूजन एंड करते हैं, इन कंक्लूजन द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस थ्रू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद अ पावरफुल टूल किट टू इनहेंस डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग। ठीक है, इस चीज में भी काफी हेल्प करती है, उसी बात को बोला गया है, एक टूल किट है आपके लिए जो कि काफी हेल्प करता है आपको फॉरवर्ड प्लानिंग में। इट एम्पावर्स मैनेजर्स टू नेविगेट एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड। ये आपको हेल्प करता है बिजनेस वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज को, उसके जो जो भी जो उलझा हुआ चीज है बिजनेस में उसको समझने में। मेक इन्फॉर्म चॉइसेस, आप सही चॉइसेस ले पाते हो एंड ड्राइव द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स इट्स गोल्स एंड सक्सेस, और वो जो है आपको सही गोल्स एंड सक्सेस की तरफ आपको लेकर के जाती है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था, अगला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग हालांकि किसी और क्लास में करेंगे, इसका मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा।
And any question regarding this topic? No, ओके पीडीएफ मेरा शेयर करना नहीं हुआ था कल असाइनमेंट्स वाला, तो वो मैं आज शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है? आकांक्षा ओके सर, ओके ओके सर, थैंक का यू. हो गया है, किशन का थोड़ा बहुत बाकी है ना? यस सर, मेरा तो हो गया. जी जी किशन इज नॉट रिप्लाइंग. किशन आपको आवाज आ रही है? जी बोल रहा हूँ. ठीक है, आई थिंक कोई टेक्निकल ग्लिच होगा, इट्स ओके. सो आई एम गोना शेयर द पीडीएफ ऑफ असाइनमेंट सॉल्व, एंड यू गाइस नीड टू राइट इट एज सून एज पॉसिबल. जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप उसको लिख लीजिएगा, एंड उसके साथ साथ इसको स्टडी भी करते रहिए जो मैं चीजें शेयर कर रहा हूँ. और अभी से ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, क्योंकि जो थैंक यू डेट्स हैं वो तो सो मच रिलीज हो ही गई हैं. यस यस डेट्स सर. वगैरह रिलीज हो ही गई हैं, तो उसको दिमाग में रख करके आप लोग अपना स्टडी जो है स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? और मैं कुछ चीजें और करने वाला हूँ. मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ पीडीएफ वगैरह शेयर कर दूँ, ताकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना प्रिपरेशन भी थोड़ा बहुत करके, जैसे क्लासेस तो सैटरडे संडे हो रही है मोस्टली, तो बाकी वीकडेज पे भी आपके पास सफिशियंट टाइम होगा कि आप उसको स्टडी कर पाए. तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन शेयर करने की कोशिश करूंगा जो एग्जाम में आ सकती है. ओके यस सर, और उससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होगा तो हम लोग क्लास में मतलब कि डिस्कस कर ले, है ना, अगर डेफिनेटली डेफिनेटली पीरियड आखिर का 10-15 मिनट मैं उसी लिए रखता हूँ, ताकि इसके बारे में डिस्कशन हो सके, ठीक जी है? सर. ओके देन, ठीक है ओके फिर सर, थैंक यू. अगले क्लास में मिलते हैं. ओके बाय. आई शेयर द डिटेल्स, ठीक है? कब क्लासेस होंगी मैं शेयर कर दूंगा. ओके सर, ओके देन, ओके देन, बाय, ठीक है, थैंक बाय यू सर. सर.